फ्रेंड्स, नदीम अहमद, और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की। अभी कुछ दिन पहले मेरा गुजर हुआ फूड पांडा के ऑफिस के आगे से, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि फूड पांडा भी करीम और उबर की तरह, जैसे बाइक है आपका तो उसमें आप बाइक चला सकते हैं, यानी कि फूड डिलीवरी आप दे सकते हैं। फूड पांडा ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो उनकी जो हायरिंग का ऑफिस था वहाँ से मैं गुजरा, तो मैंने देखा काफ़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जो उनकी जो लोग थे वहाँ पर मैंने चेक किया कि यार इन लोगों की एज क्या है। तो आप यकीन करें, तकरीबन 18 साल से लेके जो मेजोरिटी थी वो थी 18 से 28 साल के दरमियान के लोग ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। अब ये जो एज आपकी 18 से लेके 25 साल या 28 साल तक की, ये आपकी लर्निंग स्टेज होती है। इसमें आप जितना लर्न करें, जितना अपने आप को ग्रूम करें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है और आपकी आने वाली ज़िंदगी को इस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर रिलाई करती है। आपने जो टाइम इस एज के अंदर स्पेंड किया हुआ होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सारी आवाम लग गई है भाई, जो मैंने देखा करीब में उबर में बाइक चला रही हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं, ठीक है, पैसे बन रहे हैं, लेकिन इससे अच्छी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद है। जैसे फूड पांडा के अंदर ये लोग ये गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इसके अंदर मेरा एक दोस्त था, वो मुझे मिला, कहने लगा यार मैं तकरीबन 4-6 घंटे में बाइक चलाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 4-6 घंटे में बाइक चलाता हूँ, मेरे कोई 10-12 हज़ार तक मेरा बन जाते हैं, इतने मेरे बन जाते हैं, 8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार मेरे बन जाते हैं। तो भाई इससे अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है वो ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, और यूँ समझ लें कि इंटरनेट के ऊपर पैसा बिखरा पड़ा है, इंटरनेट के ऊपर पैसा, आपको बस समेटना आना चाहिए। उसके अंदर कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अमेजोन एफिलिएट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, हाँ ठीक है। इसके अंदर ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जैसे जो फूड पांडा और ये डिफरेंट जो लोग बाइक्स और राइडिंग वगैरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं फ़ौरन से आपको मई मंथली पैसे मिलने लगते हैं, तो इसके अंदर हो सकता है आपको मंथली फ़ौरन से पैसे ना मिले, लेकिन अगर आप इसके ऊपर टाइम लगाएं अपना और कामों को आप सीखें, तो आप इनसे आने वाले 2-4-6 महीने में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और प्लस ये कि वाइट कॉलर जॉब है, आपने स्कूल से अपने एक कंप्यूटर पे लैपटॉप पे आपने बैठना है और आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर आप, ठीक है। मैं अमेजोन एफिलिएट मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ब्लैक फ्राइडे की डील्स आती हैं, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेंड बहुत पहले से है, और यहाँ पर तो हो सकता है इतने ज़्यादा ऑफ नहीं देते, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वाकई में आपको 80%, 60%, 70% ऑफ मिलता है। तो इसके कूपन्स होते हैं बेसिकली, तो इन कूपन्स का भी बेशुमार काम मार्केट में अवेलेबल है, आप कूपन सेल कर सकते हैं। कूपन्स जो मिलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन्स मिलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, आप हम लोग जो बैठे होते हैं चाय के होटल पे बैठे हैं, हम किसी पठान के होटल पे बैठे हैं, तो वो डील्स लेकर आता है, भाई ये जो है ना अपना कूपन्स हैं, पिज़्ज़ा के कूपन्स हैं, आप ले लें आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा के कूपन्स होते हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी कूपन्स होते हैं, वो कूपन्स आपको फ्री में मिलते हैं। उसके लिए हम पैसे दे के हमने कोई चीज़ नहीं खरीदी, कूपन्स हमें फ्री में मिला, अब उस कूपन्स को हमें प्रमोट करना होता है। हमारा कूपन जो भी बंदा है जहाँ पर भी यूज़ करेगा, तो कंपनी जितने परसेंट भी कमीशन दे रही होगी तो हमें उस पर हमारा कमीशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैक एंड पर आप ये LCD देख रहे हैं, ये LCD की अगर मेरे पास कोई कूपन है कि अगर कोई मेरा कूपन यूज़ करता है तो उसको 80% इस LCD के ऊपर ऑफ मिल जाएगा। तो जैसे ही वो मेरा कूपन यूज़ करेगा, तो इस LCD का ऑनर, मतलब तो सैमसंग की LCD है, तो सैमसंग कंपनी मुझे प्रोवाइड कर देगी 10%, 20%, जितना भी वो मुझे इस कूपन सेल करने प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से हम कमीशन पे काम कर सकते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो का मकसद ये था कि अवेयरनेस देना कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखें, आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखें, डेवलपमेंट सीखें, और लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस आ रही हैं, रिएक्ट, एंगुलर, पाइथन, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस आ रही हैं, और बेशुमार इसका काम मार्केट में अवेलेबल है, लाखों रुपये के प्रोजेक्ट्स इसके मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि यार सिर्फ ये हवाई बातें हैं, तो आप लोग इंटरनेट पर जाइएगा, सर्च करिएगा, फॉरम्स मिलेंगे आपको, वहाँ पर फॉरम्स के अंदर आप सर्च कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, आप एफिलिएट मार्केटिंग से आप कितना कमा सकते हैं, वहाँ पर आप यूट्यूब पे जाके आप वीडियोस देखें, आप फॉरम्स के अंदर डिस्कशन करें, आप देखेंगे भाई SEO के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी क्या कॉस्ट है और मंथली कितना आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के कितने प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, एक वेबसाइट कितने में बनती है, एक लोगो कितने में डिज़ाइन होता है,
ये सारी चीज़ों की जब आपको अवेयरनेस होगी तो फिर आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर होगा कि आप ऑटोमेटिकली आप घर बैठ के अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ये जितने भी बैक एंड पे आप ये सब देखें, ये जो एक सिस्टम लगा हुआ है सारा, जो भी ये रूम डेकोरेट हुआ, ये सब अपना जो भी बनाया है, यूँ समझ लें कि सारा ऑनलाइन काम से बनाया है। इसके अंदर मैंने कूपन्स भी बेचे हैं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी करी है, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी दी हैं, मैंने एसईओ की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है, एसईओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है। तो ये सब काम आप लोग भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।